नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव 9 बजे की कविता की श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती। साथियों, हम रोज एक नई कविता लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और ये सारी की सारी कविताएं अपने अंदर बहुत सारी भावनाएं समेटी होती हैं। मिलने की, बिछड़ने की या फिर बिछड़ के एक बार फिर से मिलने की, कभी अपना क्रोध व्यक्त करने की, कभी अपना प्यार जताने की, न जाने कितनी अनगिनत भावनाएं समेटे हुए रहती हैं ये कविताएं, जो हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाती हैं। और इन भावनाओं को व्यक्त करने का हर कवि का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है। और आज हम जिस कवि की कविता लेकर आए हैं उनका नाम है एकांत श्रीवास्तव, जो कि बहुत चर्चित कवि हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद, अन्न है मेरे शब्द। तो बढ़ते हैं इस कविता की पंक्तियों की तरफ। नहीं आने के लिए कहकर जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, नहीं आने के लिए कहकर जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, पवन से, पानी से, पहाड़ से, पवन से, पानी से, पहाड़ से कहूंगा नहीं आऊंगा, पवन से, पानी से, पहाड़ से कहूंगा नहीं आऊंगा, दोस्तों से कहूंगा और ऐसे हाथ मिलाऊंगा जैसे आखिरी बार, दोस्तों से कहूंगा और ऐसे हाथ मिलाऊंगा जैसे आखिरी बार, कविता से कहूंगा विदा और उसका शब्द बन जाऊंगा, कविता से कहूंगा विदा और उसका शब्द बन जाऊंगा, आकाश से कहूंगा और मेघ बन जाऊंगा, आकाश से कहूंगा और मेघ बन जाऊंगा, तारा टूटकर नहीं जुड़ता मैं जुड़ जाऊंगा, तारा टूटकर नहीं जुड़ता मैं जुड़ जाऊंगा, फूल मुरझाकर नहीं खिलता, फूल मुरझाकर नहीं खिलता मैं खिल जाऊंगा, हर समय दुखता रहता है ये जो जीवन, हर समय टूटता रहता है ये जो मन, हर समय दुखता रहता है ये जो जीवन, हर समय टूटता रहता है ये जो मन, अपने ही मन से, जीवन से, संसार से रूठ कर दूर चला जाऊंगा, अपने ही मन से, जीवन से, संसार से रूठ कर दूर चला जाऊंगा, नहीं आने के लिए कहकर और फिर आ जाऊंगा, नहीं आने के लिए कहकर जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा।